नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा में एसपीजी संशोधन बिल पास हो गया है। कांग्रेस ने लोकसभा में इस बिल का विरोध किया, विरोध के बावजूद सरकार ने इस बिल को पास करा लिया। अब राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है लेकिन राज्यसभा में इस बिल को पास कराना मुश्किल है। इस बिल के पास होने के बाद एसपीजी सुरक्षा में कई बदलाव होंगे। अब सिर्फ प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को ही एसपीजी सुरक्षा मिलेगी। इस बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को छोड़ किसी को एसपीजी सुरक्षा नहीं मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री को 5 साल तक सुरक्षा मिलेगी और उसके परिवार के सदस्य जो प्रधानमंत्री निवास में रहते हैं उसे 1 साल तक सुरक्षा मिलेगी। कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है क्योंकि सरकार ने गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा पहले ही हटा ली है। अब सवाल है कि एसपीजी को लेकर कौन सियासत कर रहा है, क्या सुरक्षा को लेकर ये सियासत हो रही है? एक रिपोर्ट देखिए। देश में एक बार फिर सुरक्षा को लेकर सियासत शुरू हो गई है। गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा वापस लेने के बाद अब मोदी सरकार एसपीजी संशोधन बिल लाई है। इस बिल के आने के बाद प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को छोड़ किसी को एसपीजी सुरक्षा नहीं मिलेगी। इस बिल में ये भी साफ है कि पूर्व प्रधानमंत्री को सिर्फ 5 साल तक सुरक्षा दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एसपीजी संशोधन बिल पेश किया। अमित शाह ने कहा कि इस कानून में कुछ बदलाव के लिए हम ये बिल लेकर आए हैं। शुरुआत में एसपीजी एक अधिशासी आदेश के तहत काम करती थी, बाद में एक कानून बना जिसके बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप काम करने लगा। शाह ने कहा कि अब सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को सुरक्षा मिलेगी, इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को 5 साल तक ये सुविधा मिलेगी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कानून के अंदर एक बदलाव लेकर मैं आज इस सदन के सामने आया हूँ। जो संशोधन होने के बाद ये एक्ट बनेगा, ये एक्ट के तहत एसपीजी प्रोटेक्शन सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्य जो उनके साथ अधिकृत प्रधानमंत्री निवास पर रहते हैं उनके लिए ही उपलब्ध होगा। और दूसरा, कोई पूर्व प्रधानमंत्री और अपने परिवार जो सरकार द्वारा आवंटित किए गए आवास पर रहते हैं उनको 5 साल की अवधि तक ये एसपीजी प्रोटेक्शन उपलब्ध। इस बिल के पेश होने से कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने एसपीजी संशोधन बिल पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब ऐसे नकारात्मक कदम उठाए गए हैं बहुत बड़ा खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ा है। मनीष तिवारी ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। तिवारी ने कहा कि सरकार किसी व्यक्ति को सुरक्षा क्यों प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि पुलिस की व्यवस्था आवाम की सुरक्षा के लिए है। तिवारी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सरकार की तरफ से सुरक्षा देने की जरूरत है। तिवारी ने कहा कि थ्रेट असेसमेंट के हिसाब से विभिन्न श्रेणियों में सुरक्षा प्रदान की जाती है। आपको बता दूं कि एसपीजी बिल में बदलाव के चलते गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई है। इसे लेकर कांग्रेस ने खूब बवाल भी किया था। पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को एसपीजी सुरक्षा मिलती थी लेकिन अब इनकी सुरक्षा सीआरपीएफ के हाथ में चली गई है। इतिहास इस बात का गवाह है और तारीख इस बात की गवाह है कि जब जब ऐसे नकारात्मक कदम उठाए गए हैं उसका बहुत बड़ा खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ा है। एसपीजी संशोधन बिल पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1991 से 1994 में कई संशोधन किए गए हैं, उसके बाद भी कई बार संशोधन हुए लेकिन इस बार जो बिल में संशोधन किया गया है इसके मुताबिक एसपीजी सुरक्षा प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी। ये सुरक्षा परिवार के उन सदस्यों को मिलेगी जो प्रधानमंत्री आवास पर रहते हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को 5 साल तक की अवधि के लिए एसपीजी प्रोटेक्शन मिलेगा। गृह मंत्री ने कहा कि संविधान के अनुसार हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रधानमंत्री ही है, उनके कार्यालय को सुरक्षित करने के लिए एसपीजी बनी है। हमारे देश में जो 2 पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई है जो देश के लिए बड़ी क्षति है जिसके बाद इस कानून को बनाया गया, अब हमारी सरकार इसमें संशोधन कर रही है। एसपीजी का गठन 1988 में किया गया था ताकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक न हो, क्योंकि एसपीजी के नहीं होने से देश को काफी क्षति हुई है, इसलिए सरकार ने एसपीजी बनाई। एसपीजी में करीब 3000 कमांडो हैं जो अलग अलग सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं। एसपीजी के कमांडोस ऑटोमेटिक गन FNF 2000 असॉल्ट राइफल से लेस होते हैं। इनके पास
ग्लोक 70 नाम की एक पिस्टल भी होती है और ये एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। ये हाई ग्रेड बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने होते हैं जो लेवल 3 केवलर की होती है, जिसका वजन 2.2 किलोग्राम होता है और ये 10 मीटर दूर से AK-47 से चलाई गई 7.62 कैलिबर की गोली को भी झेल सकती है। सरकार SPG सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए का बजट देती है। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री के अलावा अगर अन्य लोगों को SPG सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी तो सरकार पर और भी बोझ बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जहां तो लोकसभा से SPG संशोधन बिल पास हो गया है, कांग्रेस ने लोकसभा में इस बिल का विरोध किया। विरोध के बावजूद सरकार ने इस बिल को पास करा लिया क्योंकि सरकार के पास बहुमत था। अब राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा और वाकई देखने वाली बात होगी कि राज्यसभा में इस बिल का क्या होता है, क्या ही पास हो जाता है या फिर नहीं पास हो पाता है। इस पूरे विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे कि क्या सुरक्षा पर सियासत करना सही है, अगर सही है तो कितना सही है, इस पर भी आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर विजय खैरा जी हमारे साथ हैं जो कि नेता हैं BJP के। विजय जी बहुत स्वागत है आपका। मुईद अहमद जी हमारे साथ हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। मुईद जी बहुत स्वागत है आपका भी। SK द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड IAS हैं। द्विवेदी जी बहुत स्वागत है आपका। भास्कर दुबे जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। दुबे जी आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा विजय खैरा जी आपसे है, SPG संशोधन बिल जो आया है ये कितना महत्वपूर्ण है? हमको ये समझ में नहीं आती है, ऐसा क्या हुआ है जिसके लिए इतनी हायतवा मचाई जा रही है? क्या सुरक्षा नहीं दी जा रही? सारी की सारी बातें एक गांधी परिवार को केंद्रित करके कांग्रेस पार्टी ने उसको एक तमाशा बनाया हुआ है। लोकसभा में भी आज पार्लियामेंट हाउस में भी यही कहना चाह रहे हैं वो। मुझे ये समझना चाहिए, SPG का खर्चा बहुत अधिक है और SPG सिर्फ हिंदुस्तान में इस समय प्रधानमंत्री को मिली हुई है। अगर हर प्रधानमंत्री को, हर प्रधानमंत्री के रिश्तेदारों को हम देने लगेंगे तो फिर आप समझ लीजिए देवगौड़ा जी के भी पूरे खानदान को दे दीजिएगा और फिर इनको भी दे दीजिएगा, गुजराल साहब के भी खानदान को, चंद्रशेखर जी के लोगों को भी दे दीजिएगा और जो अभी मनमोहन सिंह जी हैं उनको भी दे दीजिएगा। माने ये पब्लिक का खर्चा है, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ देंगे, दे रहे हैं। अभी उसको रिव्यू तो करना होगा ना कभी की आवश्यकता है कि नहीं। अगर इस बात की रिपोर्ट आती है, पुलिस की, इंटेलिजेंस की, हर तरह से रिपोर्ट आती है और उसमें ये तय हो गया कि इतना खतरा नहीं है कि जिसके लिए SPG की आवश्यकता पड़े, फिर भी ये भी नहीं कि कोई हमने X सिक्योरिटी दे दी हो, Z सिक्योरिटी दे दी हो, ऐसा भी नहीं। Z प्लस सिक्योरिटी दी है जिसके अंदर 55 लोगों का एक ग्रुप है जो पूरा का पूरा उनकी सिक्योरिटी करता है और 3 जगह दे रखी है। गांधी परिवार की इतनी चिंता है हमको, जितनी उनको है उतनी ही सरकार को भी है। ये गलत कहना है कि हमको चिंता नहीं है, इसीलिए उनको 55 लोगों की सिक्योरिटी 3 जगह घरों पे दी है, जिसमें 10 कमांडो भी है। जब सुरक्षा दे रखी है, भले ही SPG सुरक्षा हटा ली गई हो, लेकिन जब जेड प्लस सुरक्षा दे रखी है तो बावजूद इसके इतना हंगामा क्यों, क्यों बिल का विरोध किया जा रहा है? मुई जी देखिए, ये SPG सुरक्षा प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मिली थी और राजीव गांधी के ऊपर हमला था, टेररिस्ट का टारगेटेड थे वो और आतंकवादियों के निशाने पे थे। और इतना ही नहीं, उस परिवार के इंदिरा गांधी शहीद हो गए। इतना उनके ऊपर आतंकवादी वो किए हुए थे और इसके बाद राजीव गांधी शहीद हो गए। और राजीव गांधी शहीद इसीलिए हुए कि उनकी सुरक्षा भी हटा ली गई थी SPG द्वारा। तो क्या मोदी सरकार ये चाहती है कि सोनिया गांधी की भी, राहुल गांधी की भी और प्रियंका गांधी की भी हत्या हो जाए? इन हत्याओं का इंतजार कर रहे हैं? राजनीति की जाती है और उसको साफ दिमाग साफ करके की जाती है। राजनीति अपनी जगह पर है और विंडेक्टिव बदले की भावना से, आपको दुश्मनी की भावना से, आपको परेशान करने की भावना से राजनीति नहीं की जाती। मगर मोदी सरकार तो पूरे देश को परेशान कर रही है, जो कुछ नहीं कर रहा है उसको
ये तो एसपीजी हटा रहे हैं, किसी को इनकम टैक्स से परेशान कर रहे हैं, किसी को क्या कहते हैं टैक्स से परेशान कर रहे हैं, टैक्स से परेशान कर रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं। तो इस तरह से राजनीति नहीं की जा, इस तरह की राजनीति नहीं की जाती। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को एसपीजी सुरक्षा देना समझ आता है, लेकिन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को एसपीजी सुरक्षा देना, पूरे देश में अगर एसपीजी सुरक्षा मिली हुई तो सिर्फ 4 लोगों को मिली हुई थी, जिसमें से आप प्रधानमंत्री को है इंदिरा और 3 लोगों की हटा दी। इंदिरा गांधी, सवाल इस बात को लेकर खड़ा हो रहा है, क्या वाकई जायज था एसपीजी सुरक्षा देना, आप ये बताइए। नहीं, इंदिरा गांधी पे खतरा था, राजीव गांधी पे खतरा हुआ, दो दो लोग शहीद हो गए और उनके परिवार के लोग तो सीधे टारगेटेड हैं और उनको तो खतरा है ही है, तो खतरे के हिसाब से दिया जाता है। पूर्व मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री और ये और वो करके नियम नहीं बनाया जाता। जिस इंसान पर खतरा मंडरा रहा है, एक कॉमन आदमी को भी अगर खतरा है तो पूरी सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। और ये लोग तो उस कैटेगरी के हैं कि देश के लिए तबाह हो गए, देश के लिए अपने को बर्बाद कर दिया। कोई वीआईपी मूवमेंट किसी जिले में होता है, किसी जगह पर होता है, वहाँ किस तरह से प्रशासनिक अमला काम करता है, जरा ये भी समझाने की यहाँ कोशिश करें आप। देखिए, जहां तक आपने पूछा कि वीवीआईपी या वीआईपी मूवमेंट होता है तो उसमें प्रशासनिक अमला क्या करता है, एक गाइडलाइन दी हुई है एक जिला प्रशासन में कलेक्टर साहब के पास और एसपी साहब के पास एक ब्लू बुक होती है जिसमें गाइडलाइंस दी हुई हैं कि किस लेवल के वीआईपी के लिए क्या सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा, और यदि वह हाई सिक्योरिटी रिस्क वाला है तो भारत सरकार से, चाहे एनएसजी हो, चाहे एसपीजी हो, चाहे स्पेशलाइज फोर्सेस हैं आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो, इनके कमांडोज हो, वो कैसे डिप्लॉय किए जाएंगे, ये उस ब्लू बुक में गाइडलाइन दिया हुआ है और उसके हिसाब से ही हम लोग जनपदों में जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो सुरक्षा मुहैया कराते हैं। सुरक्षा मुहैया कराते हैं किसी प्रकार की। दुबे जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि जिले में सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, प्लस जो एक शख्स होता है, चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें या सोनिया गांधी की बात करें, जब भी ये कहीं पे जाते हैं तो इनको जेड प्लस की सुरक्षा दी हुई है सरकार ने। इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी सुरक्षा पर सियासत करना कितना जायज है? दुबे जी, नेहा, जो परिस्थितियां बनी जब एसपीजी का गठन हुआ, वो इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या के बाद एसपीजी का गठन किया गया जी। उसके नियम कानून तय किए गए जी। और उस नियम कानून के तहत एसपीजी काम करने लगी। उसमें यह भी व्यवस्था थी कि साहब पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार को और पूर्व प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा दी जाएगी। अब इन सबके बीच में जो व्यक्ति, देखिए अभी तक जो दृष्टांत है सामने, जो आपको दिखाई पड़ता उसमें दो ही लोगों की हत्या हुई है, एक इंदिरा जी की और एक स्वर्गीय राजीव गांधी की। तो इसलिए एसपीजी की सुरक्षा राजीव गांधी की हटाई गई थी जब उनकी हत्या हुई। फिर उसके बाद बदलाव हुआ और ये हो गया कि पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवारों को सुरक्षा दी जाएगी। जिलों की जो सुरक्षा होती है वो केवल इतनी होती है कि लोग रूट डाइवर्जन के हिसाब से, उनके निवास के हिसाब से, उनको जिस गेस्ट हाउस में रुकना होता है कि एंटी सोशल एलिमेंट या बाहर के लोग उसमें घुस ना पाए, सेफ हाउस बनाया जाता है, तमाम तरह की और व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन जिनके जीवन को खतरा होता है उनको परमानेंट सिक्योरिटी दी जाती है। दूसरे नेहा, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब सिक्योरिटी एजेंसियों की रिपोर्ट पे सुरक्षा की बात न होने के बजाय अब नेताओं की पसंद और नापसंद पे सुरक्षा दी जाती है। ऐसे तमाम दृष्टांत हैं जिसमें आप एसपीजी को छोड़ दीजिए, निचले लेवल तक देख लीजिए, एक आम विधायक से लेकर के सभासद तक, आज की तारीख में जितनी आपकी फोर्स है उत्तर प्रदेश या देश की, उतनी उसकी आधी लगी हुई है लोगों की सुरक्षा में, वीआईपी सिक्योरिटी में उसकी आधी फोर्स लगी हुई है। उसके बाद कानून व्यवस्था का झगड़ा उठता है तो ये जो पार्टी विशेष
या दल विशेष के नेताओं के विशेष कृपा पात्रों को जो स्टेटस सिंबल के लिए गनर और ये सिक्योरिटी दी जा रही है, इस पर भी विचार होना चाहिए। रही एसपीजी की बात, तो एसपीजी सुरक्षा का अब जो नया खाका आज खींचा है माननीय अमित शाह जी ने, निश्चित तौर पे उन्होंने कुछ एजेंसियों ने बताया होगा या उनको लग रहा होगा कि अब गांधी परिवार को थ्रेट नहीं है इसलिए उनको एनएसजी दे दिया जाए, या उनको लग रहा होगा कि साहब मोदी जी को ज्यादा थ्रेट है इसलिए एसपीजी इन्हीं तक सीमित कर दी जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जिनका अब ये बहुत से विषय नेहा ऐसे हैं लेकिन दुबे जी यहाँ पे ये भी सोचना होगा कि आज जो प्रधानमंत्री है वो कभी पूर्व प्रधानमंत्री भी होंगे, ये भी सोचना होगा। ये किसी पार्टी किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बनाई गई। अगर कानून बनता है, अगर कोई बिल पास होता है तो वो तो सबके लिए होता है ना, तो ये किसी पार्टी और किसी व्यक्ति के लिए तो है नहीं। नेहा आज जो बिल आया है जितना मैंने देखा उसमें प्रधानमंत्री और उसके पहले के पूर्व प्रधानमंत्री जो पूर्व होंगे जो सरकारी आवास में रहते हैं जिनको आवास आवंटित, तो अब भाई पूर्व तो नरेंद्र मोदी जी होंगे इसके बाद, बाकी तो सब भूतपूर्व हो गए। तो लेकिन दुबे जी उसमें भी सिर्फ मतलब इसमें मनसा कुछ क्लियर नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री को 5 साल तक और उनके साथ जो उनका परिवार रहता है उनको भी 5 साल तक ही जो सुरक्षा है वो मुहैया कराई जाएगी। तो पूर्व प्रधानमंत्री 5 साल के बाद जो होंगे उनको एसपीजी की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी, ये है इस बिल में। तो आप ये समझिए 5 साल तक तो आप दे रहे हो, लेकिन आप ये इस चीज को देखिए कि जो ये क्राइटेरिया बनाने के बजाय सीधे इनको एक उसमें नियम डालना चाहिए कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां अगर इस बात के लिए राजी होती हैं कि हम पूर्व प्रधानमंत्री को सुरक्षा दें तब तो उनको सुरक्षा दी जाएगी, या इस पे राजनेता को जिम्मेदार नहीं बनाना चाहिए, इस पे जो सुरक्षा एजेंसी है जिम्मेदारी उस पे डाली जानी चाहिए। कोई सदन, कोई राजनेता, कोई गृहमंत्री, कोई प्रधानमंत्री ये नहीं तय कर सकता कि किसको सिक्योरिटी थ्रेट है। सिक्योरिटी थ्रेट का मामला नेहा जी या तो आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो तय करती हैं। तो उन लोगों का इनको एक बोर्ड बना देना चाहिए कि अगर ये कहेंगे तो हम आगे सुरक्षा देंगे, अगर ये नहीं कहेंगे तो हम इनकी सुरक्षा ब्लॉक करा देंगे। इस तरह का कोई नियम अगर आया होता तो शायद इतना विरोध ना होता। ठीक है जी, सवाल इस बात को लेकर है कि पूरे देश में सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ही खतरा है क्या? बाकी और वीवीआईपी नहीं है क्या? उनको खतरा नहीं है क्या? क्या उन्हीं को दी जाए क्या सुरक्षा? आप वीआईपी के निगाह से सुरक्षा को मत देखिए। आप सुरक्षा का मानक तय करिए कि किसको डेंजर है, किसको खतरा है, किसको थ्रेट है, उससे तय करिए। ये नहीं कि वो इंदिरा गांधी के बेटे हैं या इंदिरा गांधी की बहू हैं या सोनिया गांधी हैं, राजीव गांधी के लड़के राहुल गांधी हैं, इस निगाह से क्यों देखा जा रहा है? आप देखिए कि इन लोगों को खतरा है या नहीं। अगर खतरा है तो आप सुरक्षा दीजिए। और यही एक परिवार ऐसा है जिसने दो जिनके प्रधानमंत्री रहते, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते हुए हत्या हुई और राहुल और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री से हटने के बाद बीपी सिंह साहब ने उनकी सुरक्षा ले ली और उस कारण से उनकी हत्या हुई। तो ये सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी राजनीति के कारण करें या पार्टी के कारण करें, किसी पद पर ना रहते हुए कैसे सुरक्षा मुहैया कराई जाए? जब इन लोगों की हत्या हुई खतरा है सर, तो निजी आप वो रखिए ना, सुरक्षा रखिए, निजी सुरक्षा रखिए आप। अगर आपको लगता है कि आपको खतरा है, निजी सुरक्षा और एसपीजी की सुरक्षा में जमीन आसमान का फर्क है। एसपीजी की सुरक्षा जो बनी है हर डिपार्टमेंट से 10-10 आदमी लाए गए थे और उसमें से छांटे गए थे 2-2 आदमी। सर हमें पूरा डिपार्टमेंट तरीके से जानते हैं एसपीजी की सुरक्षा क्या होती है, जो टॉप मोस्ट वो एसपीजी में भेजे जाते हैं। ये मानक है एसपीजी का, ठीक है, एसपीजी का जो मानक है वो मैं बता रहा हूँ। हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। दो तीन बातें स्पष्ट कर दूं मैं। पहली बात तो है प्रधानमंत्री को खतरा हो या न हो, बाय रूल प्रधानमंत्री को एसपीजी की सुरक्षा देना कर्तव्य है क्योंकि वो सिटिंग प्रधानमंत्री हैं। इससे इसका कोई मतलब नहीं है।
अब आप बार बार ये कह रहे हैं, सुनिए आप बार बार कह रहे हैं गांधी परिवार, हमने आपसे पहले भी कहा इसका इससे कोई संबंध नहीं है कि गांधी किसने परिवार शहादत दी है, बता दीजिए क्या क्या एक, एक, क्या, एक, क्या गांधी एक क्या बता आप कह रहे हैं शहादत दी है जी, किसने शहादत दी है, किसने शहादत दी आप ये बता दीजिएगा। नहीं, शहादत तो गांधी जी की भी हो गई थी तो उनके सारे परिवार को देते रहेंगे क्या, ये तो रिव्यू होगा ना बार बार, हमने आपसे कहा ना रूल्स में, अब सुनिए ना एक मिनट सुन लिया, आपका आपका प्रश्न सुन लिया है, रूल में ये दिया हुआ है उसी पार्टी के लोगों ने कराया था, अब सुनिए आप पहले 1988 के रूल में ये दिया गया है, 1992 के रूल में ये दिया गया है, क्या दिया गया है कि सुरक्षा को बार बार रिव्यू किया जाएगा, सुरक्षा को रिव्यू किया जाएगा, रिव्यू किया गया, रिव्यू करने के बाद उनको जेड प्लस सुरक्षा जो दी गई है इसमें 10 ट्रेन कमांडो हैं जो कमांडो जान पे खेल सकते हैं, जिनके पास हाँ मशीन गन है, जिनके पास सारे के सारे सब मशीन गन सबके पास हैं, और 55 कमांडो एक एक को मिल रहे हैं, यानी कि 165 लोग गांधी परिवार की सुरक्षा में है, वो अलग है जो जहाँ जाते हैं सिपाही वगैरह लोकल पुलिस छोड़ दीजिए, 165 लोग मौजूदा है और उनमें से करीब करीब सभी को नॉट आदि सभी को इस बात की भी ट्रेनिंग है कि निहत्थे लड़ सकते हैं, वो ऐसे स्पेशलाइज लोग दिए गए हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी उनको दी गई है, वो किसी तरह से भी कम नहीं है, और इस समय पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ सिटिंग प्रधानमंत्री के अलावा वो किसी को प्रोवाइड नहीं की गई है, तो उसको रिव्यू किया गया, CRPF ने रिव्यू किया, फिर उसमें होम सेक्रेटरी 3 लोगों की कमेटी है, 3 लोग उसमें बैठे सरकारी, तीनों लोगों ने तय किया कि इसमें जेड प्लस सिक्योरिटी ज्यादा है, जेड तो नहीं कर दी ना, एक्स तो नहीं कर दी ना, इसलिए आपको संतुष्ट होना चाहिए। और रहा जहां तक शहादत का सवाल है तो इंदिरा जी की जो शहादत हुई थी उनके ही गार्डों द्वारा हुई थी, इसलिए उसका इस बात से तो कोई संबंध नहीं है, दुख है सबको, चिंता है आपकी, ये मत सोचिए, महात्मा गांधी जी ने 5 सिद्धांत जो प्रतिपादित किए थे नेताओं गवर्नर MP मिनिस्टर्स के लिए, उनमें से एक ये भी सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि इनको सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये लोकप्रिय लोग हैं, या तो आप ये समझते हैं कि लोकप्रिय हैं, हम तो ऐसा नहीं समझते, या वे समझते हैं कि रिपोर्ट गलत दी गई है, आप इसको राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं। ठीक है द्रिवेदी जी, एक सवाल इस बात को लेकर खड़ा होता है कि किसी पद पर ना रहते हुए भी SPG की सुरक्षा देना कितना उचित है। नेहा, मैं 2 चीजें आपसे कहूंगा। दुनिया का सबसे सशक्त राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका माना जाता है, जहां अब्राहम लिंकन से लेकर के जॉन एफ कैनेडी तक 44 लोगों तक की हत्या हुई है, 44 प्रेसिडेंट्स जो थे वहां के वो असैसिनेट हुए हैं, लेकिन उनके परिवार की सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, आप अगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर देखिएगा तो अभी जो प्रेजेंट आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं बराक ओबामा, उनको दिखाया है कि वो एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, वो एक रेस्टोरेंट में निश्चिंत होकर काम कर रहे हैं और बड़े हंसते हुए काम कर रहे हैं, उनको कोई इसमें कोई वो नहीं है, गुरेज नहीं है कि वो अब पूर्व राष्ट्रपति हैं तो उनको कुछ नहीं करना है। ये दुर्भाग्य इस देश का है कि यहां पर इतने ज्यादा VVIPs क्रिएट हो गए आजादी के बाद से, कि दुनिया में सबसे अधिक अगर VVIPs और VIPs की संख्या आप देखेंगी तो उनमें हम सबसे आगे हैं, सबसे अग्रणी हैं, और हर व्यक्ति को किसी न किसी बहाने सुरक्षा चाहिए। आपको ताज्जुब होगा कि आप कभी किसी VIP ट्रेन को देख लीजिए जिसमें उनका गनर उनका झोला उछाए हुए, एक तरफ बंदूक लटकाए हुए, चाहे वो AK-47 हो चाहे कार्बाइन 9mm हो लेके चलता है, वो सुरक्षा किस बात की करेगा, ये स्टेटस सिंबल हो गया है। मैं आपको बताऊं, आपको ताज्जुब होगा, मुझे शर्म आती है कहते हुए, हम लोग इस आजाद देश के नागरिक हैं, कि अगर आप मंगलवार को या शनिवार को मंदिर में चले जाइए हनुमान सेतु में, तो मैं रेगुलर जाता हूं और मैंने देखा है कि वहां भगवान के सामने भी VIP लोग सुरक्षित नहीं है, गनर जूता उतार के कार्बाइन लिए हुए भगवान के दरबार में उनके पीछे खड़ा रहता है, ये कौन सी सुरक्षा है। मैं इस बात को 1988 में SPG का गठन हुआ था राजीव गांधी जी के असैसिनेशन के बाद में, और 1992 में ये स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बना था जिसकी बात अभी हो रही है, जिसमें ये मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, एक्ट में संशोधन किया जा रहा है, जो राज्य लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा में जाना है, ये बहुत अच्छी बात है।
जो पदेन जो भी लोग जिन महत्वपूर्ण कुर्सियों पर हैं, क्योंकि अब इस समय पूरे देश में आतंकवाद की जड़ें फैल रही हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई डिनायल नहीं है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति कुर्सी पर आज बैठ गया तो आजीवन उसकी सुरक्षा चलती रहेगी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, ये लेकिन मैं अभी अपने भाजपा के साथ दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जनता अपनी कमाई की गाड़ी, एक सवाल जी, बिल्कुल, जनता अपनी गाड़ी कमाई से टैक्स बढ़ती है और बावजूद इसके जो उसका जो पैसा है वो इस तरह से नेताओं की सुरक्षा में लग जाता है। जी द्विवेदी जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, मुझे ब्रेक। एक सवाल में केवल इम्पोर्टेंट है, मैं जो कह दूं जी कि ये बड़ा अच्छा किया सरकार ने किया, लेकिन इसके साथ इससे पहले से पेंडिंग एक बिल है जिसमें ये कहा गया था कि पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री को देय जीवन निर्वाह भत्ता, अन्य भत्ते और जो पेंशन दी जा रही है उसके बारे में भी पुनर्विचार किया जाए। ये सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन्स भी फाइल हैं और इसके बारे में भी कहा गया सरकार को उस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि एक्सचेकर का एक बर्डन वो भी आ रहा है। यहाँ तो रेगुलर 5 साल के चुनाव न होके इतने मध्यावधि चुनाव हो गए कि पता नहीं कितने पूर्व लोग हैं, वो समझ में नहीं आता है। तो उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। और सुरक्षा विधेयक, जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूँ, उस पर समय समय पर रिव्यू होना चाहिए। और ये निर्देश दिए हुए हैं कि प्रत्येक 2 वर्ष पर जिस भी व्यक्ति को सुरक्षा दी गई है उसकी सुरक्षा व्यवस्था रिव्यू की जाएगी। आवश्यक नहीं है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था आजीवन चलती रहे, किसी विशेष परिस्थितियों में उसके यहाँ कोई घटना हो गई, कोई दुर्घटना हो गई तो उनको सुरक्षा दे दी गई, लेकिन जैसे वो परिस्थितियां सामान्य होती हैं वो सुरक्षा हटा के वो सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा में उन लोगों को लगाना चाहिए, ताकि कॉमन आदमी को भी हमारा राज्य जो है, हमारा भारत राज्य जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है, यहाँ सभी व्यक्तियों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, और इसलिए अधिक से अधिक सुरक्षा में लगे हुए लोगों को आम व्यक्तियों की सुरक्षा में लगाना चाहिए, न कि वीवीआईपी और वीआईपी की सुरक्षा में। बिल्कुल, सवाल बहुत इस पे खड़े होते हैं द्विवेदी जी। विजय खेरा जी, लोकसभा में बिल पास हो गया है, राज्यसभा में पास कराना कितनी बड़ी चुनौती सरकार के लिए? राज्यसभा भी हो जाएगा, राज्यसभा में बिल पास हो ही रहे हैं, और ये तो ऐसा बिल है कायदे से तो इसमें कांग्रेस को बहस करनी ही नहीं चाहिए थी। उनकी पूरी सुरक्षा, हम जैसे अभी आपसे बताया 60-65 लोग सुरक्षा में हैं, एक परिवार में 150 लोग हैं कम से कम, नहीं तो आप समझ लीजिएगा अंबानी की बात करें तो 15 लाख रुपए महीने देते हैं वो इस बात के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। तो अब आप समझिए 3 जगह 50-60 लाख यानी 1 करोड़ रुपए के लगभग हर महीने खर्च होता है, तो खर्चा तो है ही काफी, आखिर पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर ही तो ये खर्चा जा रहा है ना, जो भी खर्चा होगा तो रिव्यू करके अगर हटाया गया है। दूसरी बात फिर ये है कि अगर ये सोचेंगे इनको भी देना है, बिना रिव्यू करे ही देना है, तो सारे एक्स प्रधानमंत्री को दे दें फिर, तो और फिर ये बढ़ते चले जाएंगे। अभी एक बड़ी अच्छी बात बोली थी शायद जो भी अभी हमसे पीछे बोल रहे थे, देखिए अब विधायक हारते जा रहे हैं क्योंकि लोकप्रिय रहते नहीं है, काम करते नहीं है, उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। मैं बताऊं, मेरे पिताजी जब पहली बार ये पेंशन मिली थी, सनबाव से लगातार एमएलए थे तो वो हंस रहे थे, मेरे पिताजी मजाक कर रहे थे, सेनानी थे, कि ये पेंशन किस लिए दी जा रही है, ये तो संख्या बढ़ती चली जाएगी, लोग काम अब करते नहीं, हारते जाएंगे। तो आज 5,000 थे, कल 10,000 है, कल 20,000 है, क्योंकि ये हारना है इनको। तो ये हो के कम से कम जो 3 बार जीते, चलो मान लिया कि चलो वो एक समर्पित समाज सेवक माना जा सकता है, लेकिन एक बार जो जीत गया 5 साल और फिर वो हार रहा, हारने वाले को हम पैसे दे रहे हैं जिसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया, इट्स वेरी फनी। मैं जो अगर ये चूंकि ऑफ द बीट बात हो रही है, पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिसको जनता रिजेक्ट कर रही है हम उसको पैसे दे रहे हैं। अरे रेलवे का टिकट समझ सकता हूँ मैं, चलो एक कंसेशन है आपको, इसी तरह कोई और एक आध कंसेशन है वो तो समझ में आ सकता है, कूपन दे दिए कुछ दे, पर आप उनको पैसा दे रहे हैं साहब, ये सच बात है। इसी तरह ये कहीं ना कहीं राजस्व पे अतिरिक्त बोझ डालने वाली बात है। रिव्यू किया जा रहा है मोहित जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जरूरी है एसपीजी की सुरक्षा देना? जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है, क्या वो नाकाफी है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि एसपीजी की सुरक्षा देकर अभी तक भी देश पर राजस्व पर बोझ डाला गया है अतिरिक्त, और जो देश की जनता टैक्स के रूप में अपना पैसा भरती है वो देश के विकास के लिए लगना चाहिए बजाय वीवीआईपी को सुरक्षा देने के? देखिए यहां पर देश का पैसा लगता है, इसमें सही बात है, ये हमारा ही आपका सबका देश का पैसा है जो
खर्च होता है सिक्योरिटी में, मगर यहाँ पर मंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का मसला नहीं है। मसला ये है कि किस पर कितना खतरा है, खतरे के हिसाब से सुरक्षा का निर्णय लिया जाना चाहिए, उसके पद के हिसाब से, उसके राजनीतिक उसके उठान के हिसाब से नहीं लेना चाहिए सुरक्षा का मानक, दूसरा होना चाहिए। खतरे को मानक, खतरे को आधार बना करके सुरक्षा दी जानी चाहिए। अगर इस परिवार पर खतरा है तो सुरक्षा दीजिए, अगर नहीं है तो मत दीजिए। मगर पुराना इतिहास ये बता रहा है, मौजूदा परिस्थिति ये बता रही है और कि इनको खतरा है, और इसी वजह से राजीव गांधी की हत्या हुई जब एक मिसाल है, तो उस मिसाल पर भी आप काम नहीं कर रहे हैं। ये क्या कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री के लड़कों को दिया जाए इस पर हो? अरे ये वेलफेयर स्टेट है, हर आदमी के जीवन के सुरक्षा का जिम्मेदारी होनी चाहिए सरकार पर, और इनको खतरा जब लाहक है इनके ऊपर, और इन्होंने ऐसे काम किए हैं कि आतंकवादियों से लड़े हैं, देश की एकता अखंडता के लिए जान दे दी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 11-11 नौ नेता एक साथ मर गए, तो ये कांग्रेस के ऊपर तो ज्यादा खतरा है, और इसके बाद इस परिवार पर ज्यादा खतरा है। तो खतरे के हिसाब से आप निर्णय लीजिए। हमारे दुबे जी ने जो कहा कि इनकी पेंशन भी खत्म कर दी जानी चाहिए, अरे एक विधायक क्या कितनी मेहनत करके आता है, आप इसको अंदाजा नहीं लगा सकते। वो अपना हर कुछ त्याग करके, बलिदान करके किसी तरह से विधायक बनता है और कोई काम नहीं करता। अधिकारी तो जब सरकारी कर्मचारी भी तो काम करता है, उसकी पेंशन जब बंद कर दी तब दुख नहीं हुआ? सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है क्या? 60 साल की उम्र तक काम करता है, उसकी जब पेंशन बंद कर दी तब दुख नहीं हुआ? ये होनी चाहिए कि उसकी क्या सेक्रीफाइस होती है, सरकारी कर्मचारी। सर सरकारी कर्मचारियों की बात करिए ना, आप विधायकों की बात कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों की भी तो बात करिए। जब वो काम करता है 60 साल तक, उसकी पेंशन बंद कर दी तब दुख नहीं हुआ आप लोगों को? नौकरी पाने में आराम, नौकरी करने में आराम, और नौकरी के बाद आराम। और आगे मैं नहीं बोलना चाहिए, पोल मत खोलवाइए कि कितना कितना मतलब इनको सुख सुविधा प्राप्त होती है और किस प्रकार से होती है विधायकों को, ये आगे मैं नहीं कहना चाहता। विधायकों को सुविधा प्राप्त नहीं होती, खैर आप कहना चाहते हैं विधायकों को कोई नहीं, विधायक तो बेचारे आपने दो बार अधिकारियों की सेवा करते फिरते हैं। जी अब आप विधायक उनकी फाइल लेकर के सचिवालय में विधायक काम करते हैं, कोई भी सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। की दो बातें की हैं, एक आपने ये कहा है कि खतरा है उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, एकदम 100% सही बोला आपने, खतरा जिनको उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, लेकिन ये खतरा आप तय करेंगे या मनीष तिवारी तय करेगा? ये खतरा क्या कांग्रेस पार्टी के सदस्य तय करेंगे, कांग्रेस पार्टी के महामंत्री एंड कंपनी तय करेगी जो सोनिया जी को खुश करने के लिए अपने नंबर बढ़ा रहे हैं? वो खतरा तय वो नहीं करेंगे ना ये। अब आप सुनिए ना एक मिनट, ना ये खतरा, ना ये आप एक मिनट सुनिए ना, ना ये खतरा मोदी जी तय करेंगे, ना उनको मोदी जी को अधिकार है ये खतरा तय करने का, ना अमित शाह को यह अधिकार है, और ना कांग्रेस पार्टी के किसी नेता या महामंत्री को अधिकार है। ये अधिकार है इंटेलिजेंस को, सुनो पहले आप ये अधिकार है उन अधिकारियों को जो वहां से पूरी उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं साल भर में, उसके बाद वो तय करते हैं। उन अधिकारियों की जिम्मेदारी है इंटेलिजेंस से महत्वपूर्ण रिपोर्ट को इकट्ठा करना, उसमें पुलिस है, इंटेलिजेंस है और दुनिया भर की एजेंसीज हैं। उसके बाद वो तीन कमेटी में जाएगा, फिर ऊपर तक जाता है, इसमें किसी की कोई राजनीतिक समस्या नहीं। एक बात आपने उठाई, ये खतरा वही एजेंसी तय करेगी जो उसकी एक्सपर्ट है। दूसरी आप अभी कह रहे थे वो विधायक मेहनत करके आते हैं, बिल्कुल ठीक है, मेहनत करके आते हैं, 5 साल विधायक रहते हैं, सांसद रहते हैं, हर तरह की उनको सुविधा मुहैया होती है। अगर उनको चुनाव उसी क्षेत्र से फिर हरा दिया गया है तो अब तो रिजेक्ट हो गए ना, दे हैव बीन रिजेक्टेड ना, जनता ने उनको निकाल के बाहर कर दिया ना, फिर भी पैसा चाहिए इनको निकाल के तो बाहर कर दिया ना, या तो जीते होते या घर में ही बैठे रहे होते। चलो हारने के बाद तो रिजेक्ट होने के बाद जिसको जनता भगा दे मार कूट के हरा के, वो उसको कोई अधिकार नहीं है फिर पेंशन लेने का। मैं नहीं समझता हूँ कि उचित है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है।
ठीक है, सुरक्षा पे यहाँ पे बात कर रही है, लेकिन सुरक्षा पर सियासत कितनी सही है? दुबे जी, एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिस तरह से सुरक्षा के ऊपर विवाद किया जा रहा है, लगातार हंगामा किया जा रहा है, सदन से वॉकआउट तक की नौबत आ गई, कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। मनीष तिवारी का ये कहना है कि जब जब नकारात्मक कदम उठाए गए तब तब खामियाजा देश को भुगतना पड़ा, किस तरह से इसे देखते हैं आप? ऐसा नेहा, चीजें जो भी घटनाएं घटी हैं वो भी इतिहास में दर्ज हैं, जो आगे हो रहा या हुआ है वो भी इतिहास में दर्ज होगा। इन सारी चीजों के बावजूद अगर जैसा कि पीयूष खेरा जी कह रहे हैं कि साहब रिव्यू हुआ है, तो मुझे तो लगता है कि जो रिव्यू किया एजेंसियों ने उन्होंने और कम सुरक्षा देने के लिए कहा होगा, लेकिन क्योंकि विवाद ना हो, लोग पब्लिक में ना आए, इसलिए शायद सुरक्षा दे दी गई हो। मुझे तो ये, मेरा तो अपना ये मानना है कि जो पद पे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो माननीय राष्ट्रपति हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, उनको सुरक्षा दीजिए ना, बाकी लोगों को सुरक्षा देने की जरूरत क्या है? आप देखिए, यहाँ दो 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 कौड़ी के नेता, मुइज भाई को बुरा लगेगा, दो दो कौड़ी के ऐसे नेता जो सभासद जीतने की हैसियत नहीं रखते हैं, उनको कितने मिले हैं? दो गनर। और तमाम चुनावों के दौरान तमाम नेताओं, ये तो जनता को ठगने वाली बात हो गई। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, जो नेता उस लेवल के नहीं है जहां पर सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाए, फिर क्यों उनको इतनी सुरक्षा दी जाती है? और अब क्यों इतनी दिक्कत हो रही है कांग्रेस को कि सदन से वॉकआउट तक करना पड़ा? आप रखिए अपनी बात, सदन से वॉकआउट करने की क्या जरूरत है दुबे जी? नेहा ये पॉलिटिकल मसला है, आप ये समझिए। अगर ये घटनाएं अमित शाह या नरेंद्र मोदी के साथ हुई होती और कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो यही सब होता। आप एक चीज ये बताइए, बहुत चीजें देखिए, राजनीति में पहुंचने के बाद चीजें दूसरी हो जाती हैं। जैसे आप बाजार से अगर समोसा लेके आएंगी और वो सदन में पहुंच गया तो समोसा नहीं रह जाएगा, फिर वो आलू और पूरी हो जाएगा। आप एक चीज ये बताइए, तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं इधर 10-15 दिन के भीतर, ये सुरक्षा तो एक बहाना है। आप एक चीज ये बताइए कि यही भाजपा, यही हमारे माननीय गृह मंत्री, यही हमारे महाराष्ट्र के माननीय नेता 70,000 के घोटाले के जिस पाटिल पर ये आरोप लगा रहे थे कि उसको हम जेल भेजेंगे, उससे उसके साथ इन्होंने युति कर ली, ठीक है, नेताओं की नहीं चली, इनके साथ वो नहीं गए, तो कुछ इसी तरह से इन सुरक्षा का भी मामला है। ऐसे ऐसे लोग, भाई बीजेपी को अगर सख्ती दिखानी है तो सख्त कदम उठाए, एक ओर से सुरक्षा खत्म कर दे। आप ये समझिए, कानून व्यवस्था कितनी बदहाल स्थिति है, और जितनी हमारे यहाँ पुलिस है, जितनी हमारे यहाँ सेंट्रल रिजर्व पुलिस है, आधी ज्यादा लगी ऐसे निकम्मों की सुरक्षा में जो उन लोगों के आड़ में वेश्यावृत्ति करते हैं, जुआ खेलते हैं, उनका गनर बाहर खड़ा रहता है। मैं ऐसे कम से कम 10 विधायकों मंत्रियों को जानता हूं जो बंबई जाते हैं, सुरक्षा यहां से ले जाते हैं, वो डांस बार में है, सुरक्षा बाहर खड़ी है। तो इस सब पे भी विचार होना चाहिए। और इन नेताओं की सुरक्षा में जो लगे हैं नया, वो सुरक्षा कर्मी फिर पब्लिक की सुरक्षा के लायक बचते ही नहीं, उनको इतना निकम्मा बना देते हैं, उनका जमीन इतना मार देते हैं कि पानी पिलाने झोला ढोने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। ठीक है द्विवेदी साहब, अगर गांधी परिवार की सुरक्षा एसपीजी की हटा दी गई है और जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है, तो सोच समझ कर ही तो फैसला लिया गया होगा ना? सरकार भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे कि उसकी थू थू हो जाए? नेहा देखिए, दो चीजें मैं पहले क्लियर कर दूं। मैं डिफेंस बैकग्राउंड से आता हूं, मैंने सेना से नौकरी शुरू की थी, बाद में आईएएस में आया था। मैं सुरक्षा के उन आयामों को भी जानता हूं जब एनएसजी और एसपीजी नहीं बनी थी। हम लोगों ने वीवीआईपी की सुरक्षा की है, ड्यूटी दी है जी। सुरक्षा में एसपीजी रहेगी, एनएसजी रहेगी, या CISF रहेगी, या ITBP रहेगी, ये काम तय करना हमारा काम नहीं है जी। ये सुरक्षा के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी हुई है। वही सवाल है सर मेरा कि एजेंसियों से पता करके ही तो सुरक्षा कम की गई होगी ना? ऐसा कोई बड़ा कदम अगर उठाया गया है, मैं नेहा उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ।
थ्रेट परसेप्शन एक बात होती है हाँ। कि किसी भी व्यक्ति की जान को किस सीमा तक खतरा है और उसको किस प्रकार से हम सुरक्षित रख सकते हैं जी, जी, जी। उस हिसाब से सुरक्षा वर्कआउट की जाती है चाहे एक्स सीरीज हो वाई सीरीज हो या जेड सीरीज हो या जनरल सिक्योरिटी हो। बिल्कुल। अब प्रश्न ये है कि जेड सिक्योरिटी अगर किसी को दी गई है तो एसपीजी आवश्यक नहीं है। आज की तारीख में हमारे पास स्पेशलाइज्ड कमांडोज आईटीबीपी में भी हैं, सीआईएसएफ में भी हैं, बीएसएफ में भी हैं, सीआरपीएफ में भी हैं। और अब ट्रेनिंग कमांडोज की लार्ज स्केल पे हो रही है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्स हो गया है, ग्लॉग 17, ग्लॉग 19 जो पहले केवल एसपीजी और एनएसजी के पास होती थी वो सारी सुरक्षा एजेंसियों के पास आ गई है, बुलेट प्रूफ जैकेट सबके पास आ गया है। तो इसलिए ये रोना कि हमारा एसपीजी कवर हटा लिया गया ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एसपीजी कवर अगर हटा है लेकिन सुरक्षा दी गई है तो क्या सुरक्षा दी गई है और किस सीमा तक दी गई है। जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि 55-55 लोगों की 54+1 होता है, एक कमांडर होता है और 54 सिक्योरिटी एजेंट होते हैं, वो इन लोगों की जो राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं जिनके परिवार के लोगों ने राष्ट्र के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस दी है उनको दी गई है, उनको प्रोवाइडेड है। तो इसलिए इस पर नाराज नहीं होना चाहिए, ये अवश्य है कि ये देख लेना चाहिए कि प्रोटोकॉल के मुताबिक जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने आज अभी लोकसभा में एक बयान दिया है कि इसको वो रिव्यू करेंगे, गंभीरता से रिव्यू करेंगे और जो लार्ज स्केल पर सिक्योरिटी रीजनल पार्टीज हो या पार्टी इन पावर हो उन लोगों ने बांट रखी है रेवड़ियों की तरह से, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार दुबे जी कह रहे थे, उसको मिनिमाइज किया जाए बिकॉज ये एक्सचेकर पर एक बर्डन पड़ रहा है, एक एडिशनल खर्चा है और एक ये स्टेटस सिंबल हो जाता है, इसके अलावा कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि उन्होंने देखा छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, उनके लैंडमाइन ब्लास्ट में 11 वरिष्ठ कांग्रेस के जन, जिन लोगों की वजह से वो पूरा प्रदेश चल रहा था, वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मार दिए गए, कुछ नहीं हुआ। हमारे सुकमा में अभी हुआ था, बीएसएफ की टीम जा रही थी और बस को उड़ा दिया, 40 हमारे लड़के मर गए, ट्रेंड लोग मर गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सुरक्षा एजेंसियों का ये मतलब नहीं होता है कि हम स्टेटस सिंबल बनावे, सुरक्षा एजेंसियों का ये मतलब होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को जिसकी सुरक्षा में लगे हैं, आपको याद होगा आदरणीय इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, आईटीबीपी के एक लड़के ने उनको मार दिया था, जबकि आईटीबीपी उस समय तक पर्सनल सिक्योरिटी में दुनिया की जो सबसे स्ट्रांग सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनमें से एक थी, लेकिन वो मेलो डाउन हो गई और अब जाकर के वो रिवाइव हुई है लगभग 20 वर्षों के बाद। आईटीबीपी में बहुत अच्छे लड़के हैं, बड़े क्वालिफाइड कमांडो। दुबे जी, सवाल इस बात को लेकर खड़ा हुआ कि और भी देश में कई वीआईपी और वीवीआईपी लोग हैं जिनको सुरक्षा चाहिए तो उन्होंने निजी सुरक्षा गार्ड हायर कर रखे हैं। ऐसे में अगर गांधी परिवार को ये लगता है या कांग्रेस को ये लगता है कि भाई उनकी जो सुरक्षा है वो कमजोर है या उन्हें ज्यादा सुरक्षा चाहिए, तो क्या ये एक विकल्प नहीं होता कि आप निजी सुरक्षा गार्ड को हायर करिए? देखिए, निजी सुरक्षा गार्डों की नेहा विश्वसनीयता नहीं होती है, उनको हथियार उनके पास अच्छे नहीं है, सर्विस वेपन उनके पास अच्छे नहीं, उनकी अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, वो कमांडो जितने फुर्तीले नहीं होते हैं, वो केवल बस खाली वो तो आप ये जो ये शोमैन है ये बार में और इधर उधर खड़े रहते हैं, या शादियों में आपने देखा होगा आजकल कमांडो का पहन के बड़े चुस्त लड़के खड़े होते हैं, बाउंसर्स। तो ये इस तरह इसको आप निजी सुरक्षा में, ये सुरक्षा तो सरकारी ही रहेगी, इन लोग जिन लोगों को खतरा है सरकार की जिम्मेदारी है उनको सुरक्षा दे, लेकिन खतरा लिस्ट किस लेवल का है ये सुरक्षा एजेंसियां तय करें, ना कि नेता तय करें। और जिन लोगों को सुरक्षा गलत दी गई है उनकी सुरक्षा हटाई भी जाए। आप ये समझिए, हम जिले के नेताओं को कि साहब भाजपा में नेता आ गया, एक रायबरेली का एक नेता है, एमएलसी है, उसकी पुलिस यूपी पुलिस सुरक्षा हटा के उसको सीआरपीएफ दे दी गई। ऐसे तमाम लोग हैं जिनको सुरक्षा के माध्यम से पार्टी में खींचना या सुरक्षा हटा के पार्टी से बाहर कर देना, ये फैशन नया खत्म होना चाहिए, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। बिल्कुल, किसी भी राजनीतिक दल की ट्रेंड खत्म होना चाहिए। एक सवाल मेरा मोहित जी आपसे है,
कि ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, आपको याद होगा पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के जो बेटे थे पीवी राजेश्वर राव, उनका देहांत हुआ था, उनके पास भी कोई हाल ही में हुआ उनका देहांत, लेकिन उनके पास भी कोई सुरक्षा गार्ड नहीं थे, ना ही उनके पास एसपीजी की सुरक्षा थी, ना ही कोई और सुरक्षा थी। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर ये सोच के दिया जाए कि भाई ये तो पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे या पोते हैं, तो ऐसे तो और भी लोग हैं, और भी परिवार हैं जो इस तरह की डिमांड करेंगे, जो इंतजार कर रहा होगा, हमने मना कर दिया था। मैं इस बात को कह चुका हूं, मैं कह रहा हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री या मंत्री इस नियत से सुरक्षा मत दीजिए, निकल गया। मोदी जी, अमित शाह जी पार्लियामेंट में गारंटी दे दें कि इनके सुरक्षा की मैं जिम्मेदारी, सुरक्षा हटा दी जाए, ये इस तरह से जिम्मेदारी वो ले लें, हटा ली जाए, मगर उनको थ्रेट परसेप्शन है। अभी हमारे साथी ने कहा कि थ्रेट परसेप्शन के अनुसार ये सुरक्षा दी जाती है, तो थ्रेट परसेप्शन कम है तो गारंटी ले लें, सुरक्षा हटा लें। मैं मगर पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी और अमित शाह जी गारंटी ले लें कि हम हटा रहे हैं तो इनके जीवन की रक्षा की मैं गारंटी लेता हूं। कह रहे गारंटी ले लीजिए तो हटा, इनको हटा गलत सुरक्षा मिली। यहाँ एक बात बताना आवश्यक है, गारंटी ले लें कि गांधी परिवार के लोगों ने ये भी कहा था कि एसपीजी हमारी जासूसी करती है, ध्यान कीजिएगा, ये भी कहा था उन्होंने। और जबकि चंद्रशेखर जी को जब प्रधानमंत्री बनाया था समर्थन देके कांग्रेस पार्टी ने, तो वो फ्लोर पे जाने से पहले चंद्रशेखर जी को जब समर्थन विड्रॉ किया, वो नहीं जा पाए फ्लोर पर, तो यही कह के किया था कि दो लोग वहां जासूसी करते पाए गए इन लोगों की, माने जिसका कोई सर पैर नहीं था उस पर चंद्रशेखर जी को हटा दिया गया था, फ्लोर पर दिया नहीं समर्थन हाँ करने के बाद, जो अभी भी हुआ, जो अजीत पवार ने किया वही सेम थिंग की थी कांग्रेस ने तब भी। अब जब आप खुद एसपीजी पर आप खुद भी चार्जेस भी लगा रहे हैं, ये बात इसलिए बताना आवश्यक थी कि सामने अभी आई नहीं। और सुरक्षा की जहां की आप बात कर रहे हैं, गारंटी की बात कर रहे हैं, गारंटी मोदी और अमित शाह नहीं देते हैं, गारंटी सरकार देती है, ये व्यक्तिगत मामला नहीं है जो आप कह रहे कि ये गारंटी दे दें वो गारंटी दे दें, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है गांधी परिवार की रक्षा करना हर सूरत में, और सरकार उसको करेगी, सरकार को जहां तक संतोष होगा हर सूरत पे उस एक्सटेंट तक जाएगी जितनी की आवश्यकता है, और इसीलिए यह 65 लोगों की सिक्योरिटी उनको दी गई है तीनों लोगों को अलग अलग, और इसी पर चाहे कितना भी खर्चा हो जेट प्लस सिक्योरिटी पूरी तरह से सफिशियंट है उन लोगों के लिए, काफी है मैं समझता हूँ। चलिए, सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि जिस तरह की सिक्योरिटी, क्योंकि जेट प्लस सिक्योरिटी दी गई है गांधी परिवार को और वो उनके लिए सफिशियंट है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर खड़ा हो रहा है क्योंकि लोकसभा में ये बिल पेश हुआ, पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में इस बिल का क्या हल होगा, क्या ये बिल पास हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी। बहरहाल, लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।